हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेव सेलर सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। हम उस सेक्शन की वीडियो लेके आए हैं जिसकी कैटेगरी या कह सकते हैं जिसकी डिमांड बहुत है, जिसके ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, कॉस्मेटिक्स कैटेगरी। पहले तो सिर्फ कैटेगरी एक वुमेन सेक्शन की तरफ ही इनका झुकाव ज्यादा था, बट आज के टाइम पे जितना वुमेन सेक्शन पे इनका झुकाव है उतना ही मेन सेक्शन पे है। ग्रूमिंग के लिए आज सभी लोग कॉन्शियस हैं और ये सब लोग ये एफर्ट्स करते हैं कि वो बेस्ट दिखना चाहते हैं। सो कॉस्मेटिक्स के सेलर्स भी उतने ही ज्यादा हैं जितने कॉस्मेटिक्स के बायर्स हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज के टाइम पे जो ऑफलाइन सेलर्स जो कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में डील कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन अपने आप को लाना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा कारगर होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आइए इस वीडियो तो देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको उस वीडियो हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर किसी पॉइंट को हम छोड़ देंगे, उम्मीद करता हूं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस में हम उसे भी अपने वीडियोस में मेंशन कर सकें। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं रवि रंजन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक और ब्रेव सेलर सीरीज का एक वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम पंकज सर के साथ बात करेंगे, जिनका स्टोर नेम ब्यूटी जोन इंडिया है और ये ब्यूटी कैटेगरी में डील करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि ब्यूटी कैटेगरी बहुत अच्छी यूनिक कैटेगरी जहां पे ऑडियंस की ट्रैफिक बहुत अच्छी रहती है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। सो अगर बहुत सारे सेलर्स हैं या ऑफलाइन वेंडर्स हैं जो कि ब्यूटी में डील करते हैं, बट शायद वो किसी रीजन से, क्योंकि इसमें कैटेगरी अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होती है, इसमें और कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट पहले होती है लिस्टिंग करने से पहले, तो शायद उनको आइडिया नहीं रहता और वो स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। सो आइए इनसे कुछ देर बातें करते हैं और ये देखते हैं कि वो भी अपने साथ अपना बिजनेस करना चाहेंगे तो कितना आसानी से वो कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। सो पंकज सर नमस्ते सबसे पहले, और धन्यवाद सर कि आपने अपना समय दिया हमसे ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो थैंक यू सर, मुझे भी काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो एक सबसे पहले सवाल सर पूछना चाहूंगा कि आपने अपना ऑनलाइन जर्नी सर किस साल में शुरू किया और कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि ऑनलाइन शुरू करते हैं, ये कैसे आपने एक थॉट लगाया सर? असल में ऑनलाइन जर्नी जो है मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया, 2022 में, ठीक है सर, सितंबर में। अच्छा। वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके पास कई सारी कंपनियों के वो स्टॉकिस्ट हैं सुपर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन मार्केट बिजनेस कीजिए, ये काफी अच्छा है और इसमें एक बार कूदिए। तो मैं असल में फार्मा कंपनी में जो है मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। ओके ओके। मैंने उसे लीव किया, उसके बाद मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा। जैसे कि सर आपने अभी आंसर किया कि आपने पिछले साल सितंबर में स्टार्ट किया और आपके किसी दोस्त मित्र भी थे जिन्होंने आपको, आपने देखा उस स्टॉकिस भी थे, तो आपने उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया और आपने स्टार्ट किया सर? हाँ, उनके पास असल में 10-12 कंपनियां के वो स्टॉकिस्ट हैं और वहाँ उनका स्टॉक का जो है पूरा नीचे चलता है, उसके थर्ड फ्लोर पे उन्होंने पहले वो करते थे उसको, लेकिन उनके पास काफी वर्डन आया तो उन्होंने बोला कि असल में मैं अपने इस काम से मुझे टाइम नहीं है, ये काम तुम कर लो। वो मेरा काफी काफी करीबी मित्र है, तो मैंने स्टार्ट किया लास्ट ईयर सितंबर में, धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया, आगे बढ़ा। लेकिन असल में एक तो प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट का है कि वो अप्रूवल नहीं देता है। जी जी जी। वहां तो मुझे जो है कोई अभी तक मिला ही नहीं है, तो काम वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ। अमेजोन तो मुझे अप्रूवल्स मिली, मैंने काम किया, काम मेरा स्टार्ट हुआ, धीरे 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 मैं आगे बढ़ा। लेकिन अमेजोन से शिकायत यह है कि जैसे मैं आगे बढ़ा, जब मैं 100 ऑर्डर्स के नजदीक पहुंचा, 70 के लगभग डेली आने लगे, तो एकदम से जाके उन्होंने मेरा अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया। अच्छा। वो क्योंकि मैं न्यू सेलर था तो वाई मिस्टेक, कुछ ना कुछ मुझसे मिस्टेक हुई होगी। जी जी। मैं ये जानता हूँ कि कोई कंपनी काम करती है तो उसमें शायद नहीं करना चाहिए। उसके बारे में वीडियो आगे भी बात करेंगे। सर तो यहाँ पे व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहेंगे कि किस रीजन से सर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, ताकि मैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकूं। असल में एक कंपनी थी स्कोर करके जी, जिसका मैंने लिस्टिंग किया जी, तो उस लिस्टिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि ये आपने, क्योंकि कंपनी कर रही थी उसमें कंपनी ने शायद इंटीमेट भी किया, तो मेरा ऑपरेटर भी नहीं समझ पाया और मैं भी नहीं समझ पाया कि इस पे मुझे काम नहीं करना। वो तो मैंने उसका लिस्टिंग किया, उसका ऑर्डर्स आया, तो कंपनी ने उसी के ऊपर मुझे जो है शायद सस्पेंड किया। ओके। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सर का जो क्या, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कंपनी
कब कैसे इंटीमेट करती है और क्यों सस्पेंड करती है। बिल्कुल, तो क्योंकि चलता हुआ अकाउंट जब बंद होता है तो सेलर को काफी जो है नुकसान भी होता है और परेशानी भी होती है, और मुझे उसके लिए एक महीने वेट करना पड़ा। मैं शायद काम भी बंद करने वाला था लेकिन डिफेक्शन ने जो साथ दिया उसकी वजह से फिर से स्टार्ट किया है। थैंक यू सर। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सर को जो प्रॉब्लम आया वो ऐसा नहीं है कि सर के साथ है, वो नॉर्मल किसी भी सेलर के साथ हो सकता है। सो सस्पेंशन में क्या होता है, एक चीज का इश्यू होता है कि जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपका पेमेंट रुक जाता है, और जब आपकी पेमेंट रुक जाती है तो करंटली जो भी आपका वीकली साइकिल है वो रुक जाता है, क्योंकि आपके पास पेमेंट आते हो तो कहीं ना कहीं आप पेमेंट को लाइनअप करते हैं, वेंडर्स को पे करते हैं, किसी के सैलरी पे करते हैं, हो सकता है आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हो उसका आपको रेंट पे करना हो, तो ये सारी चीजें एज ए सेलर उनको पे करना पड़ता है। अगर अकाउंट बंद हो गया, पेमेंट आनी बंद हो गई, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो सेलर्स को ही होता है, उनको सारे बर्डन आ जाते हैं और सेल्स भी बंद हो जाती है। तो इसलिए सस्पेंशन होने के बाद सर भी जो हो कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम फेस हुई, परेशानी हुई इसी वजह से, क्योंकि ऑर्डर्स बंद हो गए, पैसे आने बंद हो गए, तो वो एक चीज़ है कि सस्पेंशन में ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट हाँ, सस्पेंशन भी जैसे सर ने बोला कि क्लियर हो जाती है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ प्रॉपर है, तो सस्पेंशन भी क्लियर हो जाती है। वो डॉक्यूमेंट्स जो मुझसे मांगा गया वो मैंने दिया, बिकॉज मैं जो है कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट का काम कर रहा था और पूरा बिल्कुल चैन सिस्टम से काम कर रहा था, इसलिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स सारे थे। बिल्कुल, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जो भी मुझसे मांगे गए। इसलिए मैं बोला व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स के बिना हम बिजनेस करेंगे तो कोई भी हमको प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करेगा सेल करने के लिए, बिकॉज वो सारे लोग यही खोजते हैं मेरे पास ऑथेंटिक सेलर्स रहे जो ऑथेंटिक जगह से प्रोडक्ट्स लेके सेल करना चाहते हैं, अदरवाइज उनके कस्टमर्स को लॉस फेस करना पड़ता है, उनके कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक बार कस्टमर को प्रॉब्लम आई तो शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं यूज करेगा। इसलिए कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस अपने सेलर से यही उम्मीद करती है कि वो जेनरिक और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को सेल करे। सर आपने किस किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था सर अपना जर्नी? अमेजोन हो गया सर, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी कोई प्लेटफॉर्म था? हाँ, एक और था जिसमें मुझे काफी लॉस हुआ, जिसका नाम है मीशो। मैं वही बोलने वाला था। असल में मैंने उसमें देखा कि मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट भेज रहा हूँ जी, और वापस में जो है रिटर्न में कुछ और वापस आ रहा है, तो मुझे फीस तो डबल लग रही है। एक तो फीस का नुकसान हो रहा था जो शिपिंग चार्जेस थे, और दूसरा मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर उसको मीशो को बंद कर दिया। तो मीशो से आपको उतना एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है ना? बिल्कुल। मीशो पे सर ऐसे ऑर्डर सही आ रहे थे कि उसमें ऑर्डर्स की प्रॉब्लम थी कि नहीं? मीशो पे ऑर्डर्स वॉल्यूम सही थे? ऑर्डर तो ठीक आ रहे थे स्टार्ट करते ही, बट जब नुकसान हुआ था तो फिर वो काम करने का कोई फायदा ही नहीं। सर इतने सारे कैटेगरी है अमेज़न पे, होम एंड किचन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब है, बच्चों लोग के आइटम जो भी है, आपने ये कैटेगरी क्यों सेलेक्ट किया कि कॉस्मेटिक्स कैटेगरी? क्या आपको पहले से इसकी जान पहचान थी या फिर आपको कोई हेल्प करने को रेडी था? ये कॉस्मेटिक्स कैसे? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि असल में मैंने बताया ना कि मेरे जो मित्र हैं उनके पास वो इनके स्टॉकिस्ट हैं, जैसे हिमालय है या वाइल्ड स्टोन है, ये परफ्यूम कैटेगरी में, तो कलर एसेंस है, तो इनके वो क्या है सुपर स्टॉकिस्ट हैं, इसलिए मैंने इनको चुना कि इन्वेंटरी आपकी बनी रहेगी, स्टॉक का इश्यू नहीं रहेगा। क्रेडिट्स पे जो, हाँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई भी सेलर्स डायरेक्टली पे करके माल उठाते हैं, क्रेडिट सिस्टम भी चलता है बिजनेस में, ट्रेडिंग में क्रेडिट सिस्टम बहुत पहले से चलता है, अभी भी चलता है। तो ये बेनिफिट, और क्योंकि ये उस कैटेगरी प्रोडक्ट्स है जो ब्रांडेड है ऑलरेडी, तो ब्रांडिंग की भी इशू नहीं हो सकती, जो ऑर्डर आया आपने वो भेज दिया उनको। मैं सवाल जानना चाहूंगा कि आपका रिटर्न्स कैसा आता है, रिटर्न का आपका एक्सपीरियंस बताइए सर, क्या रिटर्न्स में दूसरा प्रोडक्ट आता है, यूज प्रोडक्ट आता है या कुछ और ही प्रोडक्ट आ जाता है? अमेज़न का रिटर्न एकदम सही है, जो जाता है वही वापस आता है, और उनका पैसे का भी एकदम अच्छा है, क्लियर है। अमेज़न का जी, फ्लिपकार्ट का समय मैंने बताया कि मुझे उसका अप्रूवल अभी तक नहीं मिले, इसलिए मैं उसका अभी तक काम ही नहीं कर पाया, मुझे काम करने का मौका ही नहीं मिला। बट मैं अगर आप लोगों का सहयोग तो काम करना जरूर चाहूंगा। नहीं सर, अच्छा हुआ कि इस इंटरव्यू में इस चीज को आ गया, मैं इसको इंटरव्यू के बाद 100% करता हूँ सर। और मीशो का सर क्या रहा रिटर्न एक्सपीरियंस, आप उसके बारे में थोड़ा कुछ देर पहले बता रहे थे। मीशो में सर मैं जैसे मैंने 400 रुपए का प्रोडक्ट भेजा तो वापस में जो है 40 रुपए का या 4 रुपए का आइटम आता है, तो आप समझ लीजिए मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ। और
क्योंकि उसमें ये भी पॉलिसी है कि अगर रिटर्न आएगा तो दोनों साइड का आपको शिपिंग लगेगा। करेक्ट। तो वहाँ तो वहाँ मुझे डबल नुकसान हुआ कि मेरा प्रोडक्ट भी गया और मुझे शिपिंग भी डबल लगा। बिल्कुल। और कमीशन जीरो है बट उससे फायदा तो नहीं हुआ, मुझे तो नुकसान डबल का होगा, प्रोडक्ट लॉस प्लस दोनों साइड का शिपिंग कॉस्ट। नहीं, डबल नुकसान हुआ मुझे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। सर तो जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट है सर आपका, स्पेशली मान लीजिए कि कुछ कभी ट्यूब्स में कोई आता है सर, कोई बॉटल्स में आता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, तो आप पैकेजिंग कैसे करते हैं सर? क्योंकि छोटा छोटा प्रोडक्ट होता है, छोटे बॉक्सेस होते हैं, आप पैक करके भेज दिए, अब वो ट्रांजिट में क्या होता है, छोटे बॉक्सेस किसी में दब गया, फेंका भी जाता है, उतना हैंडल प्रॉपर नहीं होती है, तो ऐसा ना हो किसी पे दब गया तो ट्यूब से बाहर प्रोडक्ट्स निकल गए या डैमेज हो गया, इसको कैसे रोकते हैं सर कि पैकेजिंग अच्छे से जाए? मैंने असल में 4-5 कैटेगरी के बॉक्सेस बनवाए हुए हैं। अच्छा। सिंगल के हिसाब से, डबल के हिसाब से, ट्रिपल के हिसाब से, 4 के हिसाब से, तो जो जैसा ऑर्डर आता है उस हिसाब से उसको फिक्स करके भेजता हूँ मैं, जिससे कि वो डब्बा भी डिसबैलेंस ना हो। अच्छा। उसको एकदम से फिक्स में पैकिंग कर दिया मैं, चारों तरफ से उसको राउंड करके जो है टैपिंग करता हूँ, और वो जब प्रोडक्ट उसमें हिलता नहीं है ना जी, बार बार इधर उधर, तो फिर प्रोडक्ट जो है खराब भी नहीं होता और फिक्स जाता है। सर फ्यूचर में ऑनलाइन पे कैसे सोचते हैं सर, कि आप अपना बिजनेस फ्यूचर में कितना ऑनलाइन के प्रति आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, कि आपके लिए कितना बड़ा हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस फ्यूचर में देखें सर? बिकॉज सिर्फ फ्यूचर आपका भी नहीं है सर, फैमिली का भी फ्यूचर है, आपके साथ जो स्टाफ मेंबर्स उनका भी फ्यूचर है, बिकॉज आप उनको भी पे कर रहे हैं, उनका भी घर आप ही की वजह से चल रहा है, तो फ्यूचर कैसे देखते हैं सर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री को अपने करियर के हिसाब से? सर फ्यूचर में ऑनलाइन इंडस्ट्री का भविष्य तो बहुत अच्छा है, असल में हर आदमी घर बैठे प्रोडक्ट चाहता है जी, आज के टाइम ठीक है ना, आज के समय में असल में आदमी नहीं चाहता कि मैं बाजार में जाऊं कोई चीज लेके आऊं और मैं अपना समय बर्बाद करूं, तो वो घर बैठना चाहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपनियों को सपोर्ट करना पड़ेगा सेलर्स को, क्योंकि जहां कंपनियां जो है सेलर्स के, जैसे अभी मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अमेजोन पे कि मेरे कुछ के प्रोडक्ट थे तो उन्होंने जो उनको शायद ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, तो उनसे मेरा ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम हो गए, क्योंकि वो कंपनियां कर अच्छी दिशा में रही है कि कोई फेक प्रोडक्ट ना बिक पाए, लेकिन उसमें कभी कभी जो है ईमानदार लोगों को भी नुकसान हो जाता है। हाँ सर, ये तो एक सभी दुनिया का रीत है सर, कि हर जगह कुछ ना कुछ लोगों के वजह से कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लोग बदनाम होते हैं सर, और वो 1% 2% ही होते हैं सर, अगर 100 लोगों में बात करूं तो 1 या 2 लोग होंगे 100 लोग में, ऐसा ही होता है, बट जो कम्युनिटी होती है वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज प्लेटफॉर्म ये सोचती है कि अगर मैं एक सेलर के लिए कर रहा हूं तो बाकी सब सेलर्स के लिए करना ही पड़ेगा, अगर चाहे कितना भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम रहता है जहां पे सेलर्स को बाकी सेलर्स की वजह से परेशानी होती है। सर कॉस्मेटिक्स में एक ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, 2015 से मैं इस बिजनेस में हूँ, इस ऑनलाइन बिजनेस में जानकारी रख रहा हूँ, तो कभी कभी ज्यादा होता है कि कॉम्पिटिटर सेलर्स ये भी सर कभी कभी एक दूसरे सेलर्स के साथ नुकसान की कोशिश करने करते हैं, या फिर ऑर्डर करके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपके साथ भी इस तरह फेक ऑर्डर्स या फिर ऐसा लगा कि कॉम्पिटिटर मेरे साथ कुछ बदमाशी कर रहा है, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ? कभी कभी ऐसा लगा कि कोई सेलर कोई भी हो, सेलर नहीं बोल सकता कहीं से भी हो, लेकिन ऑर्डर किया उसके बाद उसको कैंसिलेशन किया, कभी कभी जो है जैसे हिमालय की बेबी क्रीम थी वो 10-10 के पैक में वो ऑर्डर कर रहा है। अच्छा। और वो हाँ वो जा रही है और वो वापस आ रही है और फिर 4 दिन बाद फिर ऑर्डर आ रहा है, मतलब वो कभी सेल तो हो ही नहीं पाई, बस केवल पैक होके जा रही है और रिटर्न होके आ रही है। हाँ। बिल्कुल, तो इसमें तो लॉस फिर बेयर करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप सर मैं अगर प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो पे हैं, अगर कोई और हैं जो ऑफलाइन पे आपका अभी वीडियो देख रहे होंगे सर, उनके लिए आप क्या आपका ओपिनियन रहेगा कि सबसे पहले उनको किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए ताकि बिजनेस उनका थोड़ा स्मूथली स्टार्ट हो? स्मूथली बिजनेस के लिए, उसे स्टार्ट के लिए अमेजॉन अच्छा प्लेटफॉर्म है जी, क्योंकि वहां चीटिंग नहीं है कस्टमर सेलर्स के साथ। जी हाँ, एक तो उसका पेमेंट एकदम क्लियर है। बिल्कुल। उसका उसका फेक रिटर्न नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका खुद का जो है शिपिंग का अमेज़न के खुद के बंदे आते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मीशो में जो है 4-5 तरह के लोग आते हैं, अलग अलग कोरियर बॉय आते हैं, उनका एक ही कोरियर बॉय
दूसरा कुरियर पार्टनरशिप ईकॉम जरूर है उनका और कोई तीसरा नहीं है। तो और एक और चीज है कि अमेजोन के पास लॉयल कस्टमर बेस ज्यादा है जो कि अमेजोन पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, इसके वजह से कि अमेजोन कभी भी किसी सेलर को ज्यादा और अच्छे तरीके से बिजनेस दे माने में सक्सेसफुल भी रहता है। अगर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट ऑफर भी कर रहा है इसीलिए क्योंकि वो अच्छे सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे भी रख रहा है और उसको पता है कि सेलर्स के साथ कैसे डील करनी चाहिए। सर वेबसाइट के बारे में कुछ सोचे कि आप खुद का भी कोई वेबसाइट है या उसके बारे में भी थॉट्स किए हैं? बिकॉज अगर फ्यूचर में आप सोचेंगे कि चलो अपने वेबसाइट से भी ऑर्डर आना शुरू हो। अभी अभी तो नहीं किया, अभी अभी एक थिंग जरूर है मेरे अपना ब्रांड लाने के लिए अपने ब्रांड के लिए क्योंकि क्योंकि असल में क्या हो रहा है कि हम किसी कंपनी के ब्रांड में काम कर रहे हैं तो कब वो कंपनी खुद चालू हो जाए काम का सेल करना तो समझ लीजिए सेलर बैठ गया। हाँ सर बिल्कुल सही बोला, बिकॉज इस तरीके के आप बोलेंगे कैंट आरो ये कंपनी भी आप डायरेक्टली ही सेल कर रही है, ये आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं दे रही। अगर हमें कैंट आरो देखेंगे तो दिख रहा है कि सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय कैंट आरो कंपनी ही आ रही है। एग्जांपल दिया सर, इस तरह और भी कंपनीज हैं जो कि अपना ब्रांड खुद ही अपसेल करना चाह रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। सो थॉट आपका एग्जैक्टली मैं भी जानना चाह रहा था कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि कल को जाके कोई ब्रांड मना कर दे कि मैं ही ऑनलाइन सेल करूंगा और किसी को अलाउ नहीं करूंगा तो सर किसी का अच्छा चलता बिजनेस बंद हो जाएगा। ये लॉस मुझे हुआ ना एक महीने का, बिल्कुल जब मैंने स्कोर को बेचा और स्कोर में मुझे जो कंपनी ने मुझे सस्पेंड किया क्योंकि शायद उन्होंने जो है मेरे खिलाफ शिकायत की होगी कि ये कैसे बेच रहे हैं वट एवर जो भी हुआ हो अपील की, मैं उसको समझ नहीं पाया क्योंकि मैं न्यू सेलर था तो इसलिए मुझे वो नुकसान भोगना पड़ा। हाँ एक चीज मुझे समझ में आई है कि अगर आप अपना ब्रांड लेके आते हैं तो इसमें आप काफी तरक्की कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेट भी आपका होगा, ब्रांड भी आपका होगा, पैकेजिंग आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा सर, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है मनी पावर भी चाहिए। मनी वो तो सर धीरे धीरे अभी इस बिजनेस से आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा आरएनडी करना होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सर यहाँ पे तो मेरे सवाल तो अभी फिलहाल खत्म है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास कुछ सवाल है सर प्लीज मेरे से पूछिए। सर मेरा एक ही सवाल है कि असल में ये कंपनियां कभी कभी जो है लिस्टिंग को जो है ब्लॉक क्यों कर देती हैं? सर देखिए इसका बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कंपनीज को ना कस्टमर के पास अगर कोई अमेजोन से परचेज किया बट उसको कुछ और प्रोडक्ट मिला तो कस्टमर क्या करते हैं कि अमेजोन को छोड़कर कंपनी में डायरेक्टली मेल डाल देते हैं, कस्टमर केयर पर उनको रिपोर्ट करते हैं कि आप फेक प्रोडक्ट मार्केट में डाल रहे हो मैंने इनसे खरीदा, तो फिर क्या होता है कि कंपनी को एक्शन लेना पड़ता है, फिर वो अमेजोन को कंप्लेन करती है कि आपके प्लेटफॉर्म पे फेक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं अमेजोन ऑल टुगेदर उस प्रोडक्ट को जो भी सेल करते हैं उसको सस्पेंड कर देते हैं, फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिनके पास सही डॉक्यूमेंट्स है उनको एक्टिव करते हैं और जिन सेलर्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं उनको इनएक्टिव ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी कभी भी अपना ब्रांडिंग नहीं लूज कर सकती बिकॉज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पे कोई भी कंपनी हो उनका इमेज और रेपुटेशन गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही जल्दी तरीके से होता है। ऑनलाइन का एक ये भी चीज है कि अगर नेगेटिविटी आ गई या नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ तो वो फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। पहले ऑफलाइन था तो कभी कभी इस तरह के इश्यूज होते थे उतना जल्दी हाईलाइट नहीं होता था, बट क्योंकि ऑनलाइन आ गया है इसकी वजह से कंपनी को डायरेक्ट ज्यादा लॉस शुरू हो जाता है, जहां कोई एक ट्विटर पे डाल दिया, कोई एक इंस्टा फेसबुक पे डाल दिया तो वहां से लोगों की थोड़ा सा शुरू हो जाता है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे गलत मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपने कस्टमर्स को लूज कर देते हैं, तो इसके वजह से वो ध्यान देते हैं कि इस तरह के कोई कंप्लेंट्स आए तुरंत एक्शन लें और उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को तुरंत रोक दें। लेकिन सर कंपनी उसमें ये भी तो नहीं देख रही है कि कई सेलर्स का तो मैंने रेट इतना कम देखा है कि जितने के मुझे पड़ नहीं रहा है उससे कम में तो वो बेच रहे हैं। जी 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 तो सर इसमें क्या होता है कभी कोई दो तरीके के इसमें मैं ऑप्शन बताता हूँ। इसमें एक एक सेलर होता है जिनको आइडिया नहीं रहता होता कि मैं इतना का लॉस कर रहा हूँ, मतलब उनके पास प्रोडक्ट भी सही दाम पे ले रहे हैं बट वो उनको लग रहा है कि ये इस जिस प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ सारा प्राइसेस को काट के कमीशन को शिपिंग लॉजिस्टिक्स को फिक्स प्राइसिंग को काट के मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो उतना नहीं कर पाते और इन दी एंड उनको पता चलता है एक साल बाद कि लॉस में बिजनेस कर रहे हैं, एक वो प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि सर जो मार्केट में जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ सेलर्स होते हैं जो कि ब्रांडिंग को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो कि फर्स्ट कॉपी जो है प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं और वो इस प्राइसेस कम प्राइसेस में बेचते हैं बिकॉज कॉस्मेटिक ऐसा चीज है जहां पे सर आप प्राइसिंग पे ही खेल सकते हैं, आपको कुछ और नहीं शो करना, जिसकी प्राइसिंग सबसे कम है लोग उसी से खरीदेंगे क्योंकि ब्रांड तो वही है
सबको पता है कि अगर मैं लैक्मे का सनस्क्रीन मंगाऊंगा तो किसी भी एक अगर 100 सेलर उसको बेच रहे हैं, किसी को भी मैं सेलेक्ट करूं वो मेरे को लैक्मे का ही देगा, ये बायर के माइंड में रहता है। तो वो सेलेक्ट करता है कि जब प्रोडक्ट एक ही आना है तो सबसे सस्ते वाले सेलर से मैं पकड़ूं। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉपी सस्ते दाम में बेचते हैं, और जब कस्टमर को मिलता है तो कस्टमर फिर उनको पता चल जाता है, वो कंप्लेन करते हैं, और जिसके कारण बाकी 99 सेलर्स को उसकी वजह से लॉस फेस करना पड़ता है। अमेजोन फिर बोलता है कि सब हट जाओ, डॉक्यूमेंट्स दो, फिर से स्टार्ट करो अपना बिजनेस। ये इस तरीके के प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट ये यही रीजन है सर कि जो सेलर्स होते हैं जो कि फेक या फर्स्ट कॉपी में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो बाकी सब सेलर्स को परेशान करते रहते हैं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे जो पैसे जो इसमें जो कटता है ना रिटर्न आने पर, जी प्रोडक्ट रिटर्न आया तो वो किस किस प्रोडक्ट पर कटता है, क्या सर रिटर्न पर कटता है या दो कैटेगरी होती है कोई भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन बात करें फ्लिपकार्ट बात करें, दो कैटेगरी होती है, एक होता है कस्टमर रिटर्न सर, एक होता है कुरियर रिटर्न सर। कस्टमर रिटर्न पे जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है तब आपके कमीशन भी कट होगा और आपका शिपिंग कॉस्ट भी कट होगा, बिकॉज अमेजोन बोलता है कि मैंने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा दिया, आपकी कमी है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। बट ये सारा सेटअप जो हम किए इसी चीज के लिए कि पैसा रेवेन्यू के लिए, अब आपको सेलर ने रिटर्न कर दिया बायर ने आपको, तो मैं वो लॉजिस्टिक चार्ज तो लूंगा, कमीशन भी लूंगा, मैं लॉस में क्यों रहूं। और अगर कुरियर रिटर्न होता है वहां पे सर एक रुपया भी नहीं कटता, वो नियम है, वो रूल है। अमेजोन पे बात करूं फ्लिपकार्ट बात, कुरियर रिटर्न पे एक रुपया भी नहीं, ना ही कमीशन कटता है ना ही लॉजिस्टिक्स कटता है, बिकॉज वो कस्टमर पहुंचा ही नहीं या फेक एड्रेस पे डाल दिया, तो उसमें सेलर की कहां से गलती है। एक ही केस में रिटर्न में कटता है सर जहां पे कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, कस्टमर ने डिलीवरी लेने के बाद रिटर्न कर दिया, वहां पे सर सेलर्स के लिए चार्जेस डिडक्ट होते हैं, कुरियर रिटर्न्स पे कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होते। ओके, तो सर धन्यवाद आपसे ज्वाइन करने के लिए, बिलीव कीजिए सर मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए, और जैसे ही और मुझे मैं कहता हूँ कि सर जैसे कि एक और बात हुआ था कि जब आपका अकाउंट ग्रो होगा तो हम लोग एक और आपसे मीटिंग करेंगे जहाँ पे सेल्स से बात करेंगे, इसी इंटरव्यू को आगे लेंगे, ताकि बायर्स को भी या फिर व्यूअर्स को भी समझ में आए कि हम लोग ने एक जीरो से स्टार्ट किया और फिर एक और एक सेलर्स को एक मुकाम तक पहुंचाया, फिर उनका भी इंटरव्यू दिखाने के लिए कि ऑनलाइन में ग्रोथ भी है, अच्छा ग्रोथ भी है, ग्रेजुअल ग्रोथ भी है, और सभी लोग कर सकते हैं। बिकॉज अगर सेम पर्सन एक ग्रोथ के साथ एक वीडियो में आ रहे हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं ऑनलाइन एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है और किया जाए इसको। तो मैं डेफिनेटली उम्मीद करूंगा सर कि मैं आपसे दोबारा मिलूं। फ्लिपकार्ट का एक इशू है जो मेरे को ध्यान में है सर, मैं इस मीटिंग खत्म करने के बाद सर मैं उसके लिए आपको कनेक्ट करवाता हूं सर। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, उम्मीद करता हूं आपसे जल्दी मिलूं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये तो थे पंकज सर, जिन्होंने अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, जिन्होंने बताया कि जब वो ऑनलाइन जर्नी एज अ कॉस्मेटिक सेलर ज्वाइन किए तो उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, आज के टाइम पे उनके ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुए और वो अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमें डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया, कोई टॉपिक के लिए अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई किसी टॉपिक पे आप फिर से रिविजिट करना चाहते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारा बिग फैक्शन को चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहले, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोज आपके पास सबसे पहले आए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू।